हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति हियर। आज का अपना टॉपिक है स्टे सेट और गा सेट। ठीक है, ये हमने कहाँ यूज़ किया था? पिछले क्वेश्चन में हमने टावर को सपोर्ट करने के लिए स्टे सेट यूज़ किया था। तो ये देखेंगे बेसिकली आज हम कि स्टे सेट क्या होता है, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं और क्या क्या इसमें मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और आपके थ्योरी में भी पूछा जाता है कि स्टे सेट को एक्सप्लेन कीजिए विद देयर व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड। ठीक है, हम देखेंगे स्टे सेट के बारे में। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने काफी टाइम देखा होगा आते जाते टाइम कि पोल पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टे अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये देखेंगे कि स्टे बेसिकली स्टे वायर जो होता है बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा ये पोल है। ठीक है, तो ये पोल है तो इसकी भी हमारी कुछ स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मतलब इसका वेट होता है। ठीक है, तो 8 मीटर, ये हमारा 8 मीटर पोल है पीसीसी का, तो इसका जो वेट होगा हमारा कितना होगा, 140 केजी। ठीक है, अगर वही हमारी बात करें हम 9 मीटर पोल की, तो 9 मीटर कितना होगा, 220 केजी। तो क्या हो गया हमारा, हमारा कंडक्टर का ये पोल का हमारा वो हो गया वेट। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे इसमें से ये ऊपर क्या जाएंगे, हमारे कंडक्टर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, कंडक्टर का लोड, कंडक्टर लोड होगा। फिर क्या होगा, हमारा विंड लोड होगा। तो क्या होगा हमारा ये जो पोल होगा हमारा, अब इसमें क्या होगा, हमारा विंड कंडक्टर लोड होगा और विंड लोड होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो टावर है, जो हमारा पोल है, उस पे क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगा। तो हम इस टेंशन को कम करने के लिए, उसकी टेंशन को नलीफाई करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्टे सेट या गाय सेट यूज में लेते हैं। इसको हम गाय सेट भी बोलते हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं, स्टे सेट यूज लेते हैं टू नलीफाई। The टेंशन ठीक है, हमारे टेंशन की जो पोल है उसकी जो टेंशन है उसके नलीफाई करने के लिए हम स्टे सेट यूज में लेते हैं, या फिर हम जो मैकेनिकल लोड होता है हमारे टावर का उसको सस्टेन करने के लिए, उसको थामने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा स्टे सेट यूज में लेते हैं। तो बेसिकली हमारा स्टे सेट क्या काम कर रहा है, हमारा जो टावर है उसके जो लोड है उसको सस्टेन करने के काम में, उसको नलीफाई करने के काम में हम स्टे अरेंजमेंट यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया स्टे अरेंजमेंट का। अब जो क्या होता है हमारे इसके इक्विपमेंट देखेंगे कि इक्विपमेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा स्टे वायर होता है जिससे हम यहाँ पे कनेक्ट करके रखते हैं यहाँ यहाँ तक। ठीक है, तो जो स्टे वायर होता है वो क्या होता है, हमारा गैल्वनाइज स्टील वायर होता है। क्या होता है, हमारा गैल्वनाइज स्टील वायर होता है, ग्रुप ऑफ गैल्वनाइज स्टील वायर। जिसमें क्या होता है, एक कंडक्टर तो हमारा, एक स्ट्रैंड तो बीच में होगा, सारे हमारे गैल्वनाइज स्टील के होंगे और 6 हमारे क्या होंगे, इसके चारों तरफ ये इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है इसका। ये हमारा इस टाइप का क्या होगा, हमारा स्टे वायर होगा। ठीक है, स्टे वायर एलटी के लिए हमारा क्या होता है, साइज इसकी 7/3.15 mm स्क्वायर गेज, ये इसकी हमारी डायमीटर होती है 3.15 mm स्क्वायर गेज। ठीक है, 7 कंडक्टर इसमें, 7 स्ट्रैंड टोटल इसमें होते हैं, तब जाके हमारा स्टे वायर बनता है। अब देखिए इसका अरेंजमेंट, सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा टावर होगा। ठीक है, टावर होगा, टावर के अब सॉरी ये तो हमारा स्टील वायर, अब इसको देखते हैं हम यूज कहां करते हैं, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, हम कि हमारा जो स्टे अरेंजमेंट है वो कहाँ यूज में लेते हैं, हम स्टे रिक्वायर्ड एक तो हम लेते हैं एंड पोल पे। ठीक है, एंड पोल पे फिर हम लेते हैं इसको टर्न पे, फिर ट्रांसफॉर्मर स्ट्रक्चर पे, ट्रांसफार्मर पोल पे, ठीक है, डबल पोल स्ट्रक्चर पे, डीपी पे, डबल पोल पे यूज में लेते हैं, या रिवर या फिर हमारी जो लेक होती है वहां हमारे जो पोल्स होते हैं वहां पे हम क्या यूज में लेते हैं, स्टे अरेंजमेंट यूज में लेते हैं। एंड पोल पे जहाँ हमारा मान लो कोई भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जारी है और उस लाइन का वो जो एंड पोल है उस पर हम क्या लेंगे, ये यूज में लेंगे स्टे अरेंजमेंट। फिर हम लेंगे टर्न पे, अगर कोई हमारी लाइन टर्न कर रही है वहां लेंगे, कहीं हमारा एच पोल टाइप का स्ट्रक्चर है उस पर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है इस तरीके से, तो वहां पे भी हम इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर लगा होगा तो वहां पे भी हम स्टे अरेंजमेंट यूज में लेते हैं इसका पोल को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और डबल पोल, सेम डबल पोल भी ऐसा ही होता है, वहां स्टे अरेंजमेंट या फिर रिवर या लेक पे जहां
हमारा टावर कोई भी पोल या टावर टिल्ट हो सकता है, टर्न हो सकता है, बेंड हो सकता है, वहां पे हम से अरेंजमेंट यूज में लेते हैं। तो दो चीजें क्लियर हो गई अपनी ये भी कि स्टे सेट या स्टे वायर या गाय सेट क्या होता है। सेकंड हो गया हमारा कि स्टे कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें मटेरियल यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये अपना टावर हो गया, फिर ये क्या हो गया, स्टे क्लैंप हो गई। टावर के जो यहाँ से हमारे कंडक्टर पास करते हैं, इस तरीके से यहाँ से हमारे कंडक्टर पास करेंगे और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे हम लगाते हैं क्या, स्टे क्लैंप। स्टे क्लैंप यहाँ से हमारा स्टे वायर आएगा और ये हमारा कितने एंगल पे होता है, 30 to 45 एंगल पे। ठीक है, 30 से 45 एंगल पे। तो इसकी डिस्टेंस जो हम लेंगे टावर से वो कितनी होगी, 2 मीटर से लेके 2.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक इसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, दो टाइप के स्टे होते हैं हमारे। एक तो होता है नॉर्मल स्टे, नॉर्मल स्टे, और एक होता है फ्लाई स्टे। ठीक है, अब नॉर्मल स्टे में क्या होता है, नॉर्मल स्टे में हमारे कोई बाउंडेशन नहीं होती, मतलब 2.5 से लेकर 3 मीटर तक हम स्टे का अरेंजमेंट बेसिकली किया जाता है। फ्लाई स्टे हम कहाँ पे यूज करते हैं, फ्लाई स्टे हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ मान लो यहाँ से हमारा पोल जा रहा है और इसके आसपास यहाँ कोई बाउंड्री आ रही है, तो हम इस वायर को यहाँ पे नहीं लगा सकते, है ना। तो क्या करेंगे उस केस में, हम जो डिस्टेंस है यहाँ पे कुछ इस टाइप का एंगल लगा देते हैं जिससे इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। इस टाइप का हम एंगल लगा देंगे तो इसकी जो हम 1.1 मीटर, आधा मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर तक भी हम फ्लाई स्टे लगा सकते हैं, इस तरीके का बैंड लगा के। ठीक है, तो ये हमारा फ्लाई स्टे और नॉर्मल स्टे में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, हमारा स्टे वायर हमने आपको बताई दिया ये पूरा क्या है, यहाँ तक स्टे वायर जो कि गैल्वनाइज स्टील का हमारा बना होता है। गैल्वनाइज स्टील में इसमें 7 हमारे स्ट्रेंड्स होते हैं जिसमें सारे गैल्वनाइज स्टील के, जिसमें एक मिडिल में होता है, बाकी सारे टर्न की हो रहते हैं। ओके, अब इसकी जो हमारी जो लेंथ होती है, तो वो इसका जो वेट होता है वो टोटल क्या होता है, 5.5 kg का इसका वेट होता है। ठीक है, ये हमारा स्टे वायर, इसको 2.5 से लेकर 3 मीटर तक पोल से लगाया जाता है। ये इसकी डिस्टेंस हो गई 25 mm। ठीक है, इसको करेंगे तो 2.5 मीटर हो गया अपना ये। अब यहाँ पे के बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा एग इंसुलेटर। ठीक है, एग इंसुलेटर या फिर इसको बोलते हैं स्टे इंसुलेटर या गाय इंसुलेटर। ठीक है, स्टे इंसुलेटर भी बोल सकते हैं इसको, गाय इंसुलेटर भी बोल सकते हैं और एग इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। अब ये जो एग इंसुलेटर होता है इसमें क्या होता है, 4 होल होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो 4 होल होते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये ऊपर से हमारा स्टे वायर आएगा, एक होल में से पास करेगा, फिर इसकी यहाँ पे थ्रेडिंग कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, थ्रेडिंग कर देंगे। इसी तरीके से इसमें यहाँ पे होल होगा, ये एक दूसरे से टच नहीं कर रहे होते हैं ये दोनों। ठीक है, और इस तरीके से थ्रेडिंग कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कि थ्रेडिंग क्यों की जाती है और इसमें ये गाय इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर क्यों यूज में लिया जाता है, इसका क्या रीजन है। इसका ये रीजन है कि सपोज करो ये हमारा स्टे क्लैंप है, बिल्कुल किससे अटैच है, क्रॉस आर्म से अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, सपोज करो यहाँ पे हमारा जो इंसुलेटर है वो लग रहा है और किसी वजह से हमारा ये इंसुलेटर हो गया पंक्चर। ठीक है, तो पंक्चर हो गया तो करंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट आएगा तो हमारे स्टे वायर में भी करंट फ्लो होगा, और मान लो सपोज करो कोई एनिमल या ह्यूमन कोई भी इससे टच होगा तो वो करंट लग जाएगा, उसको शॉक लग जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है। तो इस वजह से हम स्टे इंसुलेटर हम यहाँ पे यूज लेते हैं जिससे कि ऊपर का करंट नीचे नहीं आए। ठीक है, अब किसी किसी केस में आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ तक नीचे भी करंट आ जाता है, वो किस वजह से आता है कि यहाँ का इंसुलेटर फेल हुआ और ये एज इंसुलेटर है ये भी फेल हो चुका है, इसका इंसुलेशन भी फेल हो चुका है ये। ठीक है, तो इस वजह से नीचे तक करंट आता है, जब ये रेयर केस में होता है जब दोनों ही अपन ने इंसुलेटर फेल हुए हो रहते हैं। तो स्टे इंसुलेटर और गाय इंसुलेटर का चीज हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, थ्रेडिंग। अब ये क्या है हमारे टर्न बकल, इसे क्या बोलते हैं हम, टर्न बकल। ये सारे किसके बने होते हैं, गैल्वेनाइज स्टील के। टर्न बकल देखिए क्यों लगाते हैं हम, टर्न बकल में यहाँ पे ये क्या आ रही है, हमारी आई रॉड आ रही है। ठीक है, आई रॉड ये नट बोल्ट से यहाँ पे कसी होगी। अब ये हमारा क्या है, हमारा है स्टे वायर, इसको यहाँ से ले गए और यहाँ पे इसकी थ्रेडिंग कर दी है। थ्रेडिंग कितनी करते हैं, 250 mm की हम यहाँ पे थ्रेडिंग करते हैं। ठीक है, 250 mm की, तो ये यहाँ तक हमारा आ जाता है और यहाँ से निकाल के इस वायर को हम यहाँ पे थ्रेडिंग कर देते हैं। थ्रेडिंग मतलब बांधना, वायर को हम बांध देते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी ये आई रॉड या फिर एंकर रॉड, एंकर रॉड। ठीक है, इसको हम आई रॉड या एंकर रॉड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी कितनी लेंथ की होती है, टोटल ये हमारी होती है 1800 mm की। ठीक है,
1800 mm इसकी टोटल लेंथ होती है, मतलब 1.8 मीटर इसकी टोटल एंकर रॉड की लेंथ होती है। ठीक है, एंकर रॉड, यहाँ पे एक आई रॉड किस लिए बोलते हैं, यहाँ पे राउंड राउंड सा बना होता है, इसको हम टर्न बकल में इंसर्ट कर देते हैं नट वॉल्ट के थ्रू। ठीक है, अब इसका क्या पर्पज होता है कि मान लो हमारा ये लूज हो जाए, इन एनी केस क्या स्टे वायर, तो यहाँ से हम इसको खींच के वायर को टाइट कर सकते हैं, इस पे हमारा यहाँ पे वायर बंधा हुआ होता है, वहां से हमारा थ्रेड कर देते हैं फिर उसको। अब इसको क्या होता है, इस आई रॉड या फिर एंकर रॉड को हम नीचे लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, एक इसको जमीन में गड़ कर, ये तो हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, फिर इसको नीचे जमीन में गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोदने के बाद इसकी पूरी पीसीसी की जाती है। ठीक है, पीसीसी क्या होती है, किस रेशियो में होती है हमारी, 1:3:6, मतलब ये तो क्या होगा हमारी सीमेंट होगा, ये रेत होगा और ये हमारी कंक्रीट होगा। ठीक है, तो इस रेशियो में हमारी पीसीसी की जाती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसमें देखिए ये क्या हो गई हमारी एनकोर प्लेट हो गई, एनकोर प्लेट होगी, इसकी क्या डायमेंशन होती है, 6 mm तो इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, ये क्या होती है हमारे स्क्वायर शेप में होती है, तो ये क्या होगी इसकी, ये 200 200 × 6 mm, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई तो इसकी 200 200 होगी, और थिकनेस जो होगी इसकी क्या होगी, 6 mm होगी एंकर प्लेट की। इसके सेंट्रल में क्या होगा, होल बनाते हैं, फिर उसको वहां पे क्या कसते हैं, आई रॉड या एंकर रॉड को यहाँ पे कस देते हैं नट बोल्ट के थ्रू सेंटर में। ठीक है, ये भी हमारी गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती है, और इसको जमीन में इस तरीके से रखते हैं, मतलब इसका जो एंगल होगा वो ऐसे होगा, मतलब ये पोल अगर हमारा यहाँ पे है तो इसका एंगल इस तरीके से होगा, अगर पोल हमारा इस साइड होता है तो इसको यहाँ पे रखते हैं हम एंकर प्लेट को। ठीक है, ये हमारी एंकर प्लेट हो गई, कितने मटेरियल हो गए, तो एज इंसुलेटर हमने यूज किया, स्टे क्लैंप हमने यूज किया, स्टे वायर हमने यूज किया, देन हमने क्या यूज किया, टर्न बकल यूज की, देन हमने आई रॉड एंड एंकर रॉड यूज की। ठीक है, देन हमने क्या किया, एंकर प्लेट हमने यूज की, जिसको क्या किया हमने, कितने एमएम की है, ये 1800 mm की है। अब इसको हम क्या होंगे, 800 mm तक, ठीक है, कितने, 800 mm तक, तो इसको हम क्या करेंगे, पीसीसी पीसीसी करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, डिगिंग करेंगे, है ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम मिट्टी डाल देते हैं ऊपर, हम मिट्टी डाल देते हैं। तो ये तो इसका अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ देखिए पोल का क्या होता है, पोल का क्या होता है कि पोल हो गया हमारा 8 मीटर का, 8 मीटर का हमारा पोल है, तो 1.5 मीटर तो हम इसको अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, 1.5 मीटर डिगिंग करेंगे हम, इसके लिए भी तो गड्ढा खोदते हैं, तो अंदर इंसर्ट करेंगे, और जो बाकी कितना बच रहा है हमारा, 6.5 mm, 6.5 mm क्या होगा, ये हमारा जमीन से बाहर रहेगा, तो हम पार्ट ऊपर छोड़ देते हैं, और फोर ये क्या होगा, यहाँ से लेके क्रॉस आर्म से लेके ये क्या हो गया हमारा 6.4 मीटर। ठीक है, 6.4 मीटर हो गया हमारा। अब देखिए, अब ये जो एंड प्लेट होता है, ये हमारा किस ऊंचाई पे हम लगाते हैं इसको, 3050 mm पे इसको लगाते हैं। ठीक है, कहाँ से, ग्राउंड लेवल से, एग इंसुलेटर कहाँ पे लगना चाहिए हमारा, मिनिमम 3050 mm पे हमारा ये एग इंसुलेटर लगना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई है कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसके, सारे जो भी हमारे मटेरियल है वो हमें समझ में आ गए हैं, और क्यों यूज़ करते हैं वो हमें समझ में आ गया है। टर्न बकल के यहाँ पे हम एक मटेरियल और यूज़ करते हैं जिसे हम थिम्बल बोलते हैं, वो थिम्बल हम यूज़ करते हैं जिसपे हम अपने स्टे वायर को बांधते हैं, जिससे कि स्टे वायर उस पर कस के बंधा रहे और लूज़ ना हो, इसलिए हम थिम्बल का उपयोग करते हैं। उसको हम पिक्चर में आकर देखते हैं किस टाइप का होता है थिम्बल। ये सारी एसेसरीज है जो हम यूज़ करते हैं स्टे सेट में। स्टे वायर, ये अपना स्टे वायर होता है 6 स्ट्रैंड्स है इसमें। नेक्स्ट अपना आएगा टर्न बकल, ये अपनी टर्न बकल होती है जिसमें हमारी स्टे रॉड वो लगी हुई है, टर्न ये हमारा स्टे इंसुलेटर है, एंड ये हमारी थिम्बल है जिसमें हमारा स्टे वायर कसा हुआ हो। इस तरीके से अपने स्टे सेट के या गाय सेट के सारे मटेरियल हो चुके हैं। आज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए।